ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम मधुमक्खी पालन के दूसरे भाग की बात करते हैं। पिछले कक्षा में मैंने आपको मधुमक्खी पालन की बारे में कुछ जानकारियाँ दी थी, जिनमें इनकी विभिन्न प्रजातियों के बारे में, इनके जीवन चक्र के बारे में आपको बताया था। और अब हम आते हैं आधुनिक विधियों के बारे में। लास्ट टर्म पर हमने आपको जो पुरानी विधियाँ हैं उनके बारे में बताया था, जिनको हम क्रूड मेथड्स या देशी विधियाँ जो हैं वो कहते हैं। तो जो आधुनिक विधि हैं उसको हम पांच भाग उसके हम ले सकते हैं। पहली चीज है, उसमें एक टिपिकल मूवेबल हाइव होता है, यानी जिसको हम कृत्रिम छत्ता या पेटी कह सकते हैं। दूसरी चीज है इसके अंदर आपका क्वीन एक्सक्लूडर, या इसको हम कह सकते हैं रोधक जाली या रानी पृथक कारक। और फिर आ जाता है आपका हनी एक्सट्रैक्टर, यानी जिसके द्वारा हम शहद जो है वो निकालते हैं। और एक अनकैपिंग नाइफ होता है जो कि कटिंग के काम में आता है अनकैप करने के लिए, और कुछ दूसरे इक्विपमेंट्स इस आधुनिक विधि में काम में लाए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूवेबल हाइव की। इसके विभिन्न भाग जो हैं वो हमने यहाँ पर दिखाए हुए हैं कि इसमें छह जो हैं वो भाग इसके होते हैं। पहला एक स्टैंड, जिसके ऊपर पूरा छत्ता जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ रहता है। इसको हम एक टिपिकल आर्टिफिशियल हाइव का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो ये लकड़ी का बना हुआ एक बॉक्स होता है, जिसमें एक या दो दीवारें आपको नजर आएंगी, और बाहर से छत्ते का रंग जो है वो हम पीला या सफेद करके और रख सकते हैं। इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि इसका जो आउटर भाग, जहां जहां पर हमने इसका कलर बताया है, वो पीला है या सामने वाला भाग सफेद है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इनको मधुमक्खियां जो है वो आसानी से पहचान सकती है। तो गर्म जो प्रदेश होते हैं वहाँ सिंगल वॉल टाइप का एक बित्ती वाला, और जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर डबल वॉल्ड या दोहरी बित्ती का हम ले सकते हैं, जिससे कि टेम्परेचर को मेंटेन करके और रखा जा सकता है। इस छत्ते की विशेषता क्या है कि इस छत्ते को ऊपर से खोला जा सकता है, और ये हम कहेंगे कि मल्टी टीयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि ये बहुमंजिला है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये अलग अलग स्ट्रेटम में, अलग अलग स्तरों में रखे हुए हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि ये बहुमंजिला होता है। तो इसमें अनेक फ्रेम जो है वो लगी हुई रहती हैं, या चौखट कह सकते हैं हम इनको, जो कि इसके अंदर लगी हुई रह सकती है, जिनको हम खींच करके और बाहर निकाल सकते हैं। तो जो जिस तरह से हम हमारी टेबल की दराज जो है उसको खोलते हैं, उसी तरह से हम इनको काम में ले सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है, तो छत्ते के जो क्या क्या भाग हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। जो मुख्य भाग हैं यहाँ पर, वो पहली चीज है इसका स्टैंड या आधार। तो पूरा छत्ता जो है वो इस आधार के ऊपर बना हुआ होता है। यहाँ पर देखिए, ये नीचे वाला भाग है, यानी ऊपर के सभी भाग जो हैं वो इस आधार के ऊपर टिके हुए होते हैं। ठीक है, और इसमें एडजस्टेबल हाइट इसकी हम कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो लेग्स हम बनाते हैं, टांगें जो हम बनाते हैं, जो आधार जो बनाते हैं, वो एडजस्टेबल हाइट वाला होता है। और इसमें से एक भाग को ढलान युक्त बनाया जाता है, जिससे कि अगर आप इसको बाहर रख रहे हैं और बारिश के मौसम में पानी आता है तो वो आसानी से इसके ऊपर निकल सकता है। ओके, दूसरा भाग पर आइए आप, यहाँ पर बॉटम बोर्ड या पेंदा जिसको कहा जाता है, तो ये बोर्ड से बना हुआ होता है। ये बॉटम वाला बोर्ड है, इसमें डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पर यहाँ बहुत अच्छी ढंग से इसको, अच्छा डायग्राम जो है वो समझाया गया है इसको। ओके, स्टैंड पर रखा जाता है। छत्ते का मुख्य आधार बना होता है, इसमें दो द्वार अग्रभाग में होते हैं, एक भाग श्रमिकों के प्रवेश के लिए होता है और दूसरा जो भाग है वो उनके निकास के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, तीसरा है आपका इसमें ब्रूड चेंबर, इसमें अंड कक्ष भी हम इसको कहते हैं। ये वाला जो भाग है आपका, डीप सुपर से हमने यहाँ पर इसको, या सुपर से इसको
बनाए ब्रूट चेंबर, सी वाला जो पार्ट है आपका ब्रूट चेंबर। इस ब्रूट चेंबर को अगर हम देखें, बाद में और डिटेल से इसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा जो भाग है, इसको हिंदी में अध्यासन कक्ष कहा जाता है। कुछ छात्रों के मेरे पास मैसेज आए थे कि मैं हिंदी में नहीं समझाता हूँ, हालांकि जो मटेरियल लिखा हुआ है हिंदी में टाइपिंग थोड़ी दिक्कत आती है इस वजह से, और ये जो डायग्राम है हमारे पास अवेलेबल है उसमें लेबलिंग जो है वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही की जाती है, लेकिन मैं पूरी तरह से हर टर्म को आपको यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। फिर भी आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे ब्रूट चेंबर हमने लिखा है, इसको हिंदी में हम कहेंगे अध्यासन कक्ष, ठीक है। तो इसमें इसको हम शयन कक्ष भी कह सकते हैं या अंड कक्ष भी, शयन नहीं सेहन, जहाँ जैसे हम कहते हैं अंडों को सेना, वो वाला सेना, ठीक है। तो इसको अंड कक्ष भी कहते हैं, और लकड़ी से बना हुआ बॉक्स ये होता है, और इस बॉक्स के अंदर 5 से 10 फ्रेम जो है वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसको 5 से 10 फ्रेम जो है वो इसके अंदर लगाए हुए होते हैं, और ये जो फ्रेम लगे हुए होते हैं इनको कॉम फाउंडेशन कहा जाता है। तो ये लकड़ी से बने होते हैं और एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच की दूरी जो है वो लगभग 4 से 5 इंच रखा जाता है। और ध्यान रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो दूरी है इसको क्या कहते हैं, इसको बी स्पेस कहा जाता है, बी यानी मधुमक्खी और स्पेस या गलियारा कहते हैं, और इसको सेहन कक्ष में फिट कर दिया जाता है। तो चौखट जो होते हैं उनके बीच में षटकोणीय जालियां जो है वो बनी हुई होती है, इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे, अभी केवल मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये तारों से बनी हुई होती है जिनको कि हम मोम से सपोर्ट करके और रखते हैं, मोम से सधे हुए ये होते हैं। तो ये जो षटकोणीय जालियां हैं ये मधुमक्खी के एक कोष्ठ का काम करती है। जैसे हमने मधुमक्खी की संरचना आपने देखी होगी छत्ते की, उसके अंदर आपको षटकोणीय कोष्ठ हेक्सागोनल चेंबर्स जो हैं वो नजर आते हैं, ठीक है। तो मधुमक्खियां इस आधार के दोनों ओर अपनी चेंबर जो है वो बना लेती है, यानी हम उन्हें यहाँ पर एक आधार दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके ऊपर वो अपना चेंबर जो है वो बना सकती है, ठीक है। और इसके अंदर मक्खी जो है वो अंडे देगी, और जो ब्रूट चेंबर है आपका वो, इसको हम कहते हैं कि ऊर्ध्वाधार इसको खड़े किए हुए रखे जाते हैं, आड़े नहीं खड़े इनको रखा जाएगा, ओके। पांचवा चौथा जो होगा वो उसको हम कहते हैं ग्रिड या क्वीन एक्सक्लूडर, ठीक है। ये यहाँ पर क्वीन एक्सक्लूडर इस डायग्राम में आपको ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, क्वीन एक्सक्लूडर। क्वीन एक्सक्लूडर क्या है, रोधक जाली है। तो इसके आगे एक रोधक जाली लगाई जाती है जो कि तारों या प्लास्टिक से हम बना सकते हैं, और इस जाली के, इसको हम क्वीन एक्सक्लूडर क्यों कह रहे हैं आप इसको समझिए, यहाँ पर क्वीन एक्सक्लूडर क्यों कहा जा रहा है कि इससे होकर के और श्रमिक तो जा सकते हैं लेकिन रानी का आकार बड़ा होता है और इसके छेदों का आकार जो है वो छोटा होता है, जिसके कारण से रानी इससे बाहर नहीं निकल सकती है। तो इससे होकर के श्रमिक तो आ सकते हैं और इससे रानी नहीं जा सकती है। तो हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर कि क्वीन एक्सक्लूडर का काम ये होता है कि वो रानी को हनी सफर में जाने से रोकता है, मधु प्रकोष्ठ के अंदर जाने से ये रोकता है, ओके। देन लास्ट आता है आपका सुपर चेंबर, ये जो सुपर बनाया हमने ब्रूट चेंबर के बाद में, सुपर चेंबर। तो ये ब्रूट चेंबर के ऊपर की ओर होता है, जैसे हमने यहाँ पर ये बताया हुआ है यहाँ पर कि ये ब्रूट चेंबर के ऊपर होता है, और यहाँ पर जो श्रमिक हैं आपके वो पराग और पराग रस, मकरंद जिसे हम कहते हैं, वो लेकर के आते हैं और वो यहाँ पर जमा करते हैं। जब हमें लगता है कि ये भर गया है तो हम इसको और भी ऐड इसके अंदर कर सकते हैं, या उसके साइज के हिसाब से हम इसके अंदर फ्रेम्स का नंबर जो है वो कम या अधिक जो है वो कर सकते हैं। तो इस कक्ष को लकड़ी के पट्टे से ढका जाता है जिसको कि इनर कवर कहा जाता है। ये हनी सफर है, यहाँ पर हमने बताया इनर कवर, ये वाला भाग इनर कवर कहलाता है, ठीक है, ये इनर कवर है। तो इसको इनर कवर या जिसे अंतरपट्ट कहते हैं इससे ढका जाता है। ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि इनर कवर जो है आपका, इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे हवा जो है वो अंदर की ओर आ सकती है, ओके। और लास्ट वाला आ जाता है आपका
टॉप कवर या ऊपरी कक्ष, ऊपरी कक्ष या छत कह सकते हैं हम इसको। और इसको हम टिन या जिंक से बनाते हैं जो बरसात में इसकी रक्षा करते हैं और छत्ते को हम टेम्परेचर इसका कम या ज्यादा कर सकें, उसके भी प्रावधान इसके अंदर होते हैं कि मान लीजिए कि टेम्परेचर आपको लग रहा है ज्यादा है तो ऊपर वाले भाग में आप थोड़ा सा पानी भर दीजिए जो कि एवापोरेट होता रहेगा और इस पूरे चेंबर का आपका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहा रखेगा। दूसरी चीज कि ये जो आउटर कवर है या टॉप कवर जिसे हम कह रहे हैं, इस कवर को हटा करके और हम समय समय पर छतों का निरीक्षण भी कर सकते हैं जिससे कि हम उसकी प्रोग्रेस जो है हमारे उसको देख सकें। ठीक है। और एक जो आता है आपका सेकंड पार्ट जो होता है उसका, जो शुरुआत में मैंने बताया था आपको कि एक हनी एक्सट्रैक्टर काम में लेते हैं और चाकू लेते हैं। अब ये जो चीजें मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू बताई है, इनके बारे में अगर कोई थोड़ी और ज्यादा जानकारी चाहे हम तो हम उसको मूवेबल हाइव को ले सकते हैं। कि पहली चीज जो मैं बता चुका हूं मैं आपको कि इसका आकार और फ्रेम की जो संख्या है वो हमारी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है। दूसरी चीज कि हमने जो टॉप कवर बताया था सबसे ऊपर वाला, उसमें जो छेद हैं उनकी साइज जो है वो 0.375 सेंटीमीटर होती हैं, लेकिन जो 0.43 जो होता है वो क्वीन की साइज होती है, यानी ये इस छेद से बड़ी होती हैं, जिसके कारण से उन छिद्रों से जो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, जो एक्सक्लूडर है उसकी भी और जो जिंक शीट है उसकी भी, कि रानी जो है वो इनसे बाहर नहीं जा सकती है। ओके। ये मैंने आपको पार्ट्स जो है वो डिटेल में बता दिए हैं। ये स्टैंड होता है, बॉटम बोर्ड होता है, ये सब चीजें मैं आपको अभी यहाँ पर बता चुका हूँ। स्टैंड के बारे में बता दिया है मैंने आपको। दूसरा जो बॉटम बोर्ड है आपका उसके बारे में बताया था मैंने आपको कि ये स्टैंड के ऊपर की ओर होता है और आधार बनाता है। दो गेट होते हैं, एक गेट एंट्रेंस के लिए होता है और दूसरा गेट एग्जिट के लिए होता है। अब आप ये कह सकते हैं कि वो जिस गेट से आया उसी गेट से बाहर क्यों नहीं निकल सकता है, तो मतलब श्रमिक जो है वो लगातार आते रहते हैं उसके अंदर, इसलिए ये प्रावधान किया गया है कि वो जो अंदर गया है कक्ष तक आगे की ओर जाएगा तो वो दूसरे गेट से बाहर निकल जाए, उससे वो पहले वाले से भी बाहर निकल सकता है। ओके। फिर आ जाता है आपका ब्रूड चेंबर। ब्रूड चेंबर भी बता चुका हूँ मैं आपको कि इसके अंदर जो है वो 5 से 10 फ्रेम जो है वो हमारी होती हैं, और ब्रूड चेंबर या अध्यसन कक्ष जिसे हमने कहा था, इसके अंदर वैक्स की शीट होती हैं जो कि वर्टिकल पोजीशन में रखी जाती हैं जहाँ पर कि दीवार छत्ता जो है वो बना सकती है। ये मैंने आपको डिटेल में अभी थोड़ी देर पहले बताया है। हम थोड़ा सा रिविजन कर रहे हैं जो मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये जो हर शीट जो कि ब्रूड चेंबर के अंदर रखी गई है उसको कॉम्ब फाउंडेशन कहा जाता है। ठीक है। कॉम्ब फाउंडेशन या हिंदी में भी इसको आपकी बुक में भी कॉम्ब फाउंडेशन ही लिखा हुआ है, जो कि बी को अट्रैक्ट करती है छत्ता बनाने के लिए दोनों साइड के ऊपर, तो जो ब्रूड सेल जो है वो रिपीटेडली काम में ली जा सकती है। ओके। फिर आ जाता है आपका सपर, जिसको हमने कहा था कि ये कवर नहीं होता है इसके अंदर, इट इज विदाउट कवर एंड द बेस, और ये कई सारी फ्रेम इसके अंदर होती हैं जो कि स्पेस जो है वो देती है हाइट को बनाने के लिए। ओके। फिर आ जाता है आपका इनर कवर जो कि वुडन का बना हुआ होता है, और फिर आ जाता है आपका, ये ऊपर वाली बात कर रहे हैं हम यहाँ पर है ना, और फिर आ जाता है आपका टॉप कवर जो कि मैंने कहा था कि जिंक शीट का बना होता है और उसके ऊपर छेद जो है वो होते हैं। ओके। अब आप आ जाइए दूसरी चीज के ऊपर, वो है आपका क्वीन एक्सक्लूडर की बात करें हम यहाँ पर, डिटेल में बताऊंगा हर चीज में आपको यहाँ पर। तो ये वायर गेज का बना होता है और ये गार्ड करता है और ड्रोन ट्रैप के रूप में भी ये काम करता है कि ये इससे आगे नहीं जा सकते हैं। ये लेंग्सवर्थ हाइव जो है उसकी चर्चा हम यहाँ पर कहते हैं। तो इससे वर्कर तो जो है वो पास हो सकते हैं लेकिन क्वीन नहीं जा सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसकी साइज जो है वो बड़ी होती है। ओके। ये क्वीन एक्सक्लूडर हो गया। अब हम बात करते हैं हनी एक्सट्रैक्टर की। पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, अब हम हनी एक्सट्रैक्टर की बात करते हैं। तो हनी एक्सट्रैक्टर क्या होता है कि इससे जो चेंबर जहां पर कि हमने कहा था कि वर्कर जो है वो पराग लेकर के और आते हैं, पराग या मधु रस जो है वो लेकर के और आते हैं, तो उनसे हम इसको किस तरह से निकालें, तो ये जो है आपका मधु निष्कर्षक कहा जाता है इसको, हनी एक्सट्रैक्टर। मधु निष्कर्षक यानी निकालने वाला, मधु यानी
शहद शहद निकालने वाला। तो ये एक आपका टीन का बना हुआ एक ड्रम जैसा होता है, और उसमें कुछ जालीदार थैलियां या घूमने वाले रोटर लगा दिए जाते हैं, और जो फाउंडेशन कोन जिनको हमने कहा था कि जिसके ऊपर वर्कर जो है वो पोस्ट बनाती हैं, हेक्सागोनल्स पोस्ट जिसको हमने कहा था, षटकोणीय पोस्ट जो है वो बनाएगी, और उसके अंदर वो क्या करेगी, शहद ला करके और भर के और रखती है, रस ला करके रखती है, जिसको कि बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो, और शहद जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो इनको इस रोटर के ऊपर लगा दिया जाता है और इसको घुमाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा बल काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहते हैं इसको, जो किसी चीज को अगर हम लगातार घुमाते हैं तो केंद्र की ओर जो है वो बल लगता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कहा जाता है। तो शहद का जो निष्कासन है वो इस अपकेंद्रण बल के द्वारा होता है, और शहद जो है वो क्या होगा, हमारी फ्रेम से अलग हो जाएगा, और इस क्रिया में हमें जो हमारा छत्ता था उसको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। जबकि हमने ये क्या देखा था कि हमारी जो पुरानी विधियां हैं उन विधियों में छत्ते को भी नुकसान पहुंचाया जाता है, तो यहाँ पर छत्ते को कोई नुकसान जो है वो नहीं होगा, विदाउट एनी डैमेज टू द फॉर्म। अब आप देखिए इसके अंदर ये टीन का बना हुआ है, ये वो लगा हुआ है, और यहाँ पर ये फ्रेम, तीन फ्रेम एक साथ रखी हुई है, यहाँ तीन फ्रेम, ये तीन फ्रेम, तो तीन तीन फ्रेम हम एक साथ लगा सकते हैं। अब इसको मोटर से घुमाया जाता है, तो उसकी वजह से अपकेंद्री बल लगेगा, और क्योंकि जो आपका वैक्स है वो हैवी है और उसके अंदर जो चीज भरी हुई है वो हल्की है, शहद जो है वो उसकी तुलना में हल्का है, हमारे चेंबर की तुलना में, तो शहद जो है वो उससे निकल करके बाहर आ जाता है और इसकी दीवारों से टकरा करके और नीचे की तरफ जो है वो इकट्ठा हो जाता है। लेकिन इस क्रिया में हमारे इन छत्तों को कोई हानि जो है वो नहीं पहुंचती है, तो शहद जो है वो ड्रम की भीतरी दीवार से टकरा करके और पेंदे में गिरता रहता है, और निचले भाग में एक टोंटी लगी हुई होती है। अगर आप लोगों ने वो देखा हो जैसे कहानी जो करते हैं, है ना, तो ऊपर वो घूमता रहता है, नीचे फिल्टर लगा रहता है, जिससे कि नीचे वाले भाग के अंदर तेल जो है, जैसे तिल्ली की घानी कर रहा है, मूंगफली की कर रहा है, तो वो नीचे तेल आकर के और इकट्ठा हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर इससे जब ये घूमेगा तो इससे शहद निकलेगा, और वो शहद इनकी दीवारों से टकरा करके और नीचे पेंदे में इकट्ठा हो जाएगा। वहां पर आप एक टोंटी लगा सकते हैं, जिसको खोलने के बाद में शहद जो है वो वहां फिल्टर भी लगा सकते हैं, कि मान लीजिए फिर भी कुछ भाग जो है वो टूट करके उसके अंदर आ गए हैं, शहद के साथ में मोम के कुछ भाग या छत्ते का कुछ भाग टूट करके आ गया है, तो हम उसको फिल्टर इसी स्टेज के ऊपर भी कर सकते हैं। ओके okay? ये कुछ समस्याएं हैं जो भी रिकॉर्ड करने में आती है, किसी ने का फोन आ गया था तो मुझे आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, है ना, और मैं ये कह रहा था आपको कि इस तरह से हनी जो है वो नीचे की ओर इकट्ठा कर लिया जाता है। ओके एक चीज हमने बताई थी आपको, अनकैपिंग नाइफ। तो अनकैपिंग नाइफ में हमने बताया था आपको कि इसको हम किस तरह से काम में ले सकते हैं, कि ये देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक अनकैपिंग नाइफ है। अनकैपिंग का मतलब क्या हुआ है, देखिए ये जो फ्रेम है आपकी, इसमें यहाँ फ्रेम आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसके नीचे हमने एक बेस बनाया था तार का, जिसके ऊपर इन मधुमक्खियों ने क्या किया है, अपने छत्ते की कोष्ठ बना लिए हैं, उसका आधार हमने दे दिया था, हेक्सागोनल फ्रेम इसके अंदर थी। अब अनकैपिंग करने का मतलब क्या है, कि ये क्या करती हैं कि उसमें पराग रस भरने के बाद में उसको बंद कर देती हैं। ठीक है, तो उसको हमें शहद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस छत्ते को इतना सा नुकसान पहुंचाना पड़ेगा कि वो जो कवर इन्होंने लगा दिया है, केप लगा दी है ना, उसको हमें हटाना है। तो ये देखिए आप यहाँ पर, ये एक अनकैपिंग नाइफ है, इसको हम इस छत्ते के ऊपर घुमाते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो कोष्ठ बंद हो रखे हैं वो खुल जाएंगे, शहद से भरे हुए कोष्ठ जो है वो खुल जाएंगे, और उसके बाद इसको हम हनी एक्सट्रैक्टर के अंदर डाल देते हैं फ्रेम को पूरे को। तो हनी फिल्ड कॉम्ब्स आर सील्ड बाई वैक्स विच इज रिमूव्ड बाई हीटेड अनकैपिंग नाइफ। तो अनकैपिंग नाइफ क्या है, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक नाइफ है, ये हम इसके ऊपर इसको घुमाते हैं, तो ये क्या करेगा, उन वो जो ऊपर का जो कवर है जो कि मोम से बना हुआ है उसको पिघला देगा। अब आपके बहुत आसानी से शहद जो है वो उसके अंदर से बाहर निकल सकता है। तो चाकू क्या करता है कि
कि शहद जो है कोष्ठकों में भरा रहता है, इनके ऊपर मोम की एक टोपी लगी रहती है, तो चाकू को गर्म करके इनको हटाना आवश्यक होता है। तो या तो हम एक काम करें कि ऐसे कुछ चाकू को हम आर्टिफिशियल सोर्स से गर्म करें, कोयले वगैरह जो जला करके रख दें उसमें गर्म कर दें, उसको इसके ऊपर घुमा दें, या एक बिजली से गर्म होने वाला इस तरह का भाग लेते हैं हम नाइफ, ये इस डायग्राम में देख रहे हैं आप इसको, कि इसको इसके ऊपर घुमाया जा रहा है जिससे कि ये भाग खुल गया। देखिए ये ऊपर का जो मोम है ये हटता जा रहा है और नीचे वाला भाग जो है वो खुलता जा रहा है। तो इसके बाद जब इसको हनी एक्सट्रैक्टर में डाल करके घुमाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से इनसे शहद जो है वो बाहर निकलने लग जाएगा। ओके इसके अलावा कुछ और उपकरणों की हमें आवश्यकता होती है जो कि मधुमक्खी पालन में हमारे लिए आवश्यक जो है वो होते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो एक होता है आपका बी वेल जिसे हम कहते हैं, तो ये बारीक जाली से बना पर्दा होता है जो कि एक डोरी से जुड़ा हुआ होता है और इसको ओढ़ करके मधुमक्खी को पालने वाला जो है वो उनके डंक से बच सकता है। तो ये आपका एक हम कहते हैं बी कीपिंग सूट कहा जाता है इसको, है ना। ये पूरी तरह से पैक है, मधुमक्खी अगर आप इसको हटा रहे हैं तो मधुमक्खियां उसके ऊपर बैठी हुई होगी, जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो वो उड़ जाएंगी और वो आपको काटने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ पर ये जाली जो है वो लगी हुई है जिससे कि इस जाली की वजह से हम आसानी से बाहर देख सकते हैं लेकिन मधुमक्खियां हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाती हैं, तो इसको बी वेल कहा जाता है। इसके अलावा दस्ताने होते हैं जिनको हाथों में पहना जाता है और एक स्मोकर भी हम काम में लेते हैं जिससे कि धुआं जो है वो लगातार एक डिब्बे के अंदर से निकलता रहता है और उस धुएं की वजह से मधुमक्खियां एजिटेट होकर के उस जगह से उड़ जाती हैं। एक ब्रश जो है वो काम में लिया जाता है। ये ब्रश क्या करता है कि चौखट को साफ करने के लिए होता है जो कि या तो कड़े बालों का बना हुआ हो सकता है या तारों का बना हुआ हो सकता है या इस तरह का एक स्क्रेपर हम काम में ले सकते हैं। ये धारदार होता है जिससे चौखट को खुरच करके और शहद को अलग करने के लिए काम में लिया जाता है। अब इससे क्या उत्पाद जो है वो बनते हैं, ठीक है। इसके पहले एक चीज जो मैं अगर आपको बताऊं, हमने इसको लिया हुआ होगा, नहीं ले रखा है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ उसको, कि इसके पहले कि हम आगे की ओर चलें तो मधुमक्खी का चयन किस तरह से करना चाहिए ये मैंने आपको पहले बताया था। जो चार स्पीसीज हमारे यहाँ पर पाई जाती है उनमें से भारत में एपिस इंडिका जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। तो क्यों है, क्योंकि हमें मधुमक्खी का चुनाव इस तरह से करना है कि उसका स्वभाव जो है वो जेंटल होना चाहिए, वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो और वो कॉलोनी जो है मजबूत कॉलोनी बना सकती हो और शत्रुओं से खुद की सुरक्षा भी कर सकती हो और श्रमिक जो है वो मेहनती होने चाहिए, वो काम जो है वो आसानी से कर सकें, इस तरह के ये होने चाहिए। और एक और बात करें हमें यहाँ पर कि जाति ऐसी हो जो कि हमारे द्वारा बताए गए स्थान पर छत्ता बनाने में सक्षम हो। तो एपिस इंडिका जो है वो इन सभी गुणों के ऊपर खरी उतरती है। और अगर भोजन हमारे पास ज्यादा है, भोजन का मतलब क्या हुआ, सोर्स जहां से कि ये लाएगी, तो खेत ऐसे जहां पर कि आप फूल वगैरह ज्यादा हों तो वहां पर हम एक से अधिक छत्ते जो हैं वो वहां पर लगा सकते हैं। और दूसरी चीज कि कृत्रिम छत्तों का जो है वो ध्यान पूरा रखना है हमारे को, तो इसके जो मुख्य शत्रु हैं वो मैंने आपको बताया था कि भी कुछ वेस्प होते हैं, वैक्स मॉथ है और ब्लैक एंट्स हैं, किंग क्रो हैं, और ये मधुमक्खियों को खाने वाले एक बी ईटर आती है, ग्रीन बी ईटर, है ना। इनको यहाँ से हमें दूर रखना चाहिए। इसके बाद में जो उत्पाद हैं, ये भी थोड़ा हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि ये कौन कौन से उत्पाद जो हैं इसके वो होते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पर हम इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।